टैक्स एग्जेम्पशन दे रहे हैं, इसीलिए दे रहे हो। बराबर है, लेकिन मेरे को एक एक एग्जांपल पता है ना, जहाँ हमने एडमिट नहीं किया पेशेंट को, ये बताइए ना। हम तो उनको ये बोलते हैं तुम्हारे पास जितना है, नहीं पूछो एडमिट किया है, उसको ट्रीटमेंट मिला है, ट्रीटमेंट नहीं मिला ऐसा नहीं है सर, ऐसा सवाल नहीं है, ये नहीं है। हम तो पेशेंट के पास जितना पैसा है, अभी देखिए लास्ट मंथ में आपने 5,000 रुपए के लिए डिस्कस किया ना, पेशेंट को वॉचमैन था, पेशेंट का वॉचमैन था, आपने बाहर बैठा के रखा है। ये जो केस है 25,000 उससे मांगा जा रहा था, प्रमोद जाधव आईसीसी का डिपॉजिट है सर 25,000, लेकिन उसको एडमिट कितने में किया है, बीपीएल के लोगों के लिए, बीपीएल का कार्ड नहीं है, उसने कार्ड नहीं दिया, उसके पास सब था, नहीं था सब, नहीं तो आप, मैं इंक्वायरी कर लेता हूँ, लेकिन ऐसा कार्ड जो भी कार्ड बगैर कार्ड के लोगों को भी हम डिस्काउंट देते, तो कार्ड वाले को तो देना ही है, हमको सवाल ही नहीं आता। डॉक्टर प्रमोद जाधव को, डॉक्टर प्रमोद जाधव हमारे कोई है नहीं, जाधव करके कोई कंसल्टेंट नहीं, उन्होंने 25,000 रुपए उससे मांगा था ना, नहीं उन्होंने नहीं मांगा था, भरने के लिए बोला था इन्होंने, तो सर आईसीसी का डिपॉजिट है वो 25,000 रुपया उसके लिए, नहीं मैं तो फ्री देते हैं ना, बता रहा हूँ ना, तो फिर खत्म हो गया ना, कभी नहीं बोला बात हमने, कभी किसी को मना नहीं किया, लेकिन ये पॉसिबल है कि हमारा रिसेप्शन है, हमारे जो अकाउंट वाले हैं उन्होंने उनको बोला होगा कि आपका जो बिलो पॉवर्टी लाइन का जो भी प्रूफ है, कार्ड वगैरह जो कुछ है वो आप लेके आओ, बाकी कुछ नहीं मांगा, उन्होंने लाया नहीं, मेरे को ये मालूम है क्योंकि यादव मेरे पास भी आया था, तो मैंने उसको यही बोला, मैंने कहा सर तुम्हारे पास कार्ड है तो आप लेके आइए, मैं आपको पूरा फ्री कर देता हूँ, नहीं आता, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो हुआ वो नहीं, आज से 16 बेड बीपीएल के लोगों के रिजर्व करके रहे हैं, मैं तो पूरा देता हूँ, आप पूरा मत दीजिए, आप हम कोई एहसान मत कीजिए, मैं एहसान की बात नहीं है, नॉट हम लोग तो सर एक साथ में एक ही जगह रहते हैं, एक मिनट, आप लोग पूरा देने वाले है कौन, आप आपको गवर्नमेंट नहीं बोला है ना, फूल देना, गवर्नमेंट मैं आपको बोल रहा हूँ 16 बेड इतना आप रिजर्व रखिए, और ये बेड आप किसी भी हालत में बोलोगे नहीं कि फुल है, अगर फुल है तो बाकी के लोग जो ये बेड पे रिजर्व है वो बीपीएल के लोग ही चाहिए, पर सर हमने किसी को मना नहीं किया है, मैं आगे की बात कर रहा हूँ सर, वही नहीं, मैं तो अभी से बता रहा हूँ ना आपको, हमारी हिस्ट्री है कि हमने किसी को मना ही नहीं किया तो, कभी अभी तो हमारे अभी इनको भी, अभी ये जो इनका केस है इनको भी 5,000 से एडमिट किया ना हमने, की नहीं किया, हमने बोला पूरा डिपॉजिट लेके आओ फिर एडमिट करेंगे, नहीं किया, हमारे यहाँ कई लोग ऐसे आते हैं जिनके पास में 1,000 रुपया खिसे में होता है, हम उनको 1,000 से भी एडमिट करते हैं, अब फिर लेकिन सर उसका कहीं ना कहीं तो अंत तो आना चाहिए, बताइए जब बिल आता है तो उसको तो देना है, बीपीएल का प्रूफ दीजिए ना, हम कहा मना कर रहे हैं उस पेशेंट को, कितने दफे मैंने खुद नहीं बोला, आपका ड्यूटी है प्रूफ लीजिए, अगर वो देगा तभी लेंगे, तो कैसे लीजिए सर, नहीं आप हमारे लेने का आपकी बात सही है, लेकिन वो देगा तभी लेंगे ना, हम मांगेंगे ना, तो मांगेंगे आप बोलेंगे मेरे पास नहीं है तो फिर कहाँ से लेंगे, तो फिर तो उसने नहीं दिया, इसलिए इश्यू हुआ, नहीं इश्यू नहीं होता था। आप मुझे ये बताइए, आप पेशेंट्स को बताते हैं क्या? हाँ बताते हैं कि यहाँ पे चैरिटेबल आपके लिए रिजर्व है, फ्री है, बोर्ड लगा हुआ है, रिसेप्शन के ऊपर ही बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ हम, मुझे तो ये नहीं लगता कि किसी को भी ये पता है, आप जो भी आते उसे अगर हो, सॉरी आई डिसएग्री विद यू, क्योंकि ये इतने सब लोगों को फ्री हमने कैसे किया, तो बताओ मेरे को पता नहीं है, तो कितना फ्री किया है, ये सब फ्री वाले हैं जो मैं दिखा रहा हूँ, ये सब जो गवर्नमेंट का रूल है, कंसेशन अमाउंट डिलीजेंट, हाँ तो कुछ लोगों को कंसेशन दिया है, कुछ लोगों को फ्री किया है, जब तो आपको फ्री करने बोला तो आप कंसेशन क्यों देते हो, फ्री वाले को फ्री करते हैं ना, जो हमारे पास प्रूफ देता है उनको हम फ्री करते हैं, जो प्रूफ नहीं देगा तो हम लोग कैसे बताएंगे, बताओ हर एक पेशेंट बोलता है कि मैं फ्री हूँ करके, ऐसा तो नहीं हो सकता है सर, जब गवर्नमेंट ने भी रूल बनाया तो गवर्नमेंट ने भी उसके लिए कंडीशन रखी है कि आपको ये ऑरेंज कार्ड देना है, ये देना है, कुछ तो देना है, अच्छा मैं बताऊँ आपको, हमारे यहाँ तो कई लोग ऐसे आते हैं, अभी ये डायलिसिस का लिस्ट है सर देखिए, अभी इसमें ये तो अभी नहीं बनाया मैंने, इसमें आप देख लीजिए कितने लोगों को हमने फ्री दिया है, कितना हमारा हॉस्पिटल का लॉस होता है उसके अंदर, लेकिन हमने कभी किसी को नहीं बोला, जब से हॉस्पिटल बना आज तब से आज तक रेट रिवाइज नहीं किया, नहीं नहीं नया जेआर बना दीजिए तो बड़ी, नहीं नहीं आपने आपने ये जो किया है ना, ये क्या किया है, बोलेगा फ्री है, नहीं नहीं ये आपने क्या किया है, डायलिसिस का क्या था यार, डायलिसिस का देख लीजिए ना, फ्री नंबर ऑफ पेशेंट्स कितना किया है, ये टोटल नंबर ऑफ डायलिसिस, ओके फिर ये क्या है, नंबर ऑफ फ्री डायलिसिस, ये टोटली फ्री की हो, डायलिसिस का हमारा कॉस्ट है 850 रुपया, हम पेशेंट से लेते हैं 550 रुपया, वो भी कई पेशेंट बोलते हैं हमारे पास नहीं है क्योंकि हम बहुत दिनों से डायलिसिस चालू है, हम उनको फ्री कर देते हैं, डे वन से फ्री कर देते हैं, ये तो पूरा जिनकी लाइफ का ट्रीटमेंट है, डायलिसिस करने का मतलब आज चालू हो गया तो वो जब तक उसका किडनी चलेगा तब तक उसको करना पड़ेगा, अभी वो तो कितने साल तक चलता है सर, अभी उनको हम लोग उनकी हालत देख के हम लोग नहीं बोल सकते कि आप अभी पैसा बोलोगे तो नहीं करेंगे, अपने यूनिट प्रेसिडेंट लोग हैं ना यहाँ पे 16 बेड यहाँ पे आप रिजर्व रखोगे,
करेक्ट है सर, लेकिन समझो लेकिन नहीं, नहीं पेशेंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल तो बजट चलना पड़ेगा। भरो आप मेरे को एक केस बताइए, एक केस, मैं दूसरी बात नहीं कर रहा, एक केस बताइए जब उसको एडमिशन नहीं दिया आपके हिसाब से। आप हमको बोलिए, हेलो, आपका आपका मैं सुनने के लिए आया नहीं हूँ, ये जो आप सुनिए, आप नहीं आए, मैं भी सुनने के लिए बैठा हूँ यहाँ पे, लेकिन मेरा भी बात आपको सुनना तो नहीं रहे हैं, आप अपनी बोल दे रहे हैं, सुनिए तो आप ही तो बोल रहे हैं, सुनिए पहले। 16 बेड आपको रिजर्व रखना है, खाली रखना है, मुझे खाली नहीं रखना है, रिजर्व बीपी है ना, मैं तो बोल रहा हूँ, पेशेंट लेके आया, मैं तो आपको बोल रहा हूँ, आप जो एंगल से बोल रहे हैं ना, कुछ तो इश्यू हुआ इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए। सर इश्यू कुछ नहीं है आपके, मेरे को बताइए एक भी पेशेंट, इनका पेशेंट भी हमने, इनको डिपॉजिट 25,000 भरा था, हमने 5,000 में एडमिट किया, आपका पेशेंट भी आपका एडमिट किया हमने, आप पास का क्यों कर रहे हैं, मैं आगे का बात नहीं, वो बोल रहे ना इश्यू हुआ इसलिए हम लोग आए, मैं अभी बोल रहा हूँ आपको, अगर कल भी आपने मना किया किसी को, मैं अभी आप साफ बोल रहा हूँ, 16 बेड आप कर सकते हैं सर, एग्री, नो नो, कोई भी पेशेंट आपका आवे, हमने उसको मना किया कि बात नहीं सुनेंगे, बात समझेंगे, बोलिए मंडल इधर आने का इंटेंशन कम्प्लीट होता नहीं, आप करने नहीं दे रहे हैं, आप बात तो सुनिए, बोलिए ना, मेरा सर ने बोला, मैं समझ गया, सर ने बोला कि 16 सर आपने क्या बोला कि 16 बेड मेरे को के लिए रिजर्व रखना, बोला ना, मैं बोल रहा हूँ, हाँ बोल रहा हूँ, मैं तो उनके और कुछ आर्ग्यूमेंट ही नहीं कर रहा हूँ, खत्म होगी ना, थोड़ा धीरे रखो, दूसरी चीज मेडिसिन पे 50% कम भाव में उनको मिलना चाहिए, ये दो मेजर मांग है, उसको मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि ये पुअर है या नहीं है, वो इसलिए क्योंकि एक तो जनरल पुअर का तो मालूम है, अपने पास कार्ड है करके, ठीक है, येलो रेशन कार्ड और जो भी कुछ, अच्छा जिसके पास, लेकिन दूसरा जो होगा वो बोलेगा कि मैं गरीब हूँ तो उसको नहीं करना, उसको आप मत कीजिए, आप उसी को कीजिए जिसके पास पीला रेशन कार्ड है, आप इन्होंने बोला गरीब है या मैंने बोला तो भी मत कीजिए, आप उसी को, आप सिर्फ रूल का पालन करो, वही हमारा रिक्वेस्ट है, हम कर रहे हैं सर, आप कर रहे हो, मैं आपको बोल रहा हूँ, कर रहे हैं, निवेदन आगे भी करेंगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, क्योंकि हम तो कर ही रहे हैं, हम तो इतना सारा फ्री में पूरा काम कर रहे हैं, ऐसा कोई तकलीफ नहीं है सर। और एक इसका आपको लॉग बुक मेंटेन करना है, लॉग बुक है ना सर, यही तो मतलब, दिस इज नॉट का है, ये अलग है, आप जीआर पढ़ते नहीं है, यू डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट इट, लॉग बुक किधर है, दिस इज नॉट अ लॉग बुक, लॉग बुक है आपको सुपरिटेंडेंट, यस लॉग बुक मंगाओ, आप कल जे इन्होंने कंसेशन दिया बड़ा बड़ा के जो वो दिखा रहे आपको, जितने भी यूनिट प्रेसिडेंट्स है ना इधर, पेशेंट इधर 16 बेड रिजर्व है, उस पे आके ये मना किया तो बताओ, ही कैनॉट डिनाई, और कोई फुल फेवर नहीं ले रहे, तो महाराष्ट्र शासन ने इनको 30% जो टैक्स एग्जेम्पशन दिया उसका ही ये लोग करके देने, और उनके पास पीला और येलो रेशन कार्ड होना चाहिए, बाकी ओरली का वो चलेगा नहीं जो भी, मगर वो चाहिए और वो उनको दे दीजिए, एक निवेदन है यहाँ ये तो क्या है, ये भी अपने वो ईयरली अपन लोग वो करते हैं ना, सबमिशन करते हैं ना अकाउंट्स के लिए, निवेदन टैक्स में करते हैं ना हम लोग, सर लुक योर फेस, ये जो देखो पुलिस का अपना मेडिकल डायरेक्टर का रजिस्ट्रेशन वाला, हाँ कोई सवाल ही नहीं आता है ना, कुछ प्रॉब्लम लॉकबुक वाले हम डालते नहीं, हाँ हेलो चलो सर अपने लॉकबुक रख के लॉकबुक, अभी ये लोग कहते हैं कि लॉकबुक रखवा नहीं, मैंने खबर नहीं लॉकबुक, एट्ले सुखाना पे तमने खबर, एट
आज ना आप बदा जो फ्री करिए छे ने नहीं।